नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और उससे सटे गाजीपुर के दौरे पर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को जमकर लताड़ लगाई। इतना ही नहीं, पुरानी घटनाओं की याद दिलाते हुए नड्डा ने अखिलेश को आईना भी दिखाया। ऐसा क्या कहा जेपी नड्डा ने सपा प्रमुख को जो उनकी बोलती बंद हो गई, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे जेपी नड्डा 2024 के लिए चुनावी बिगुल फूंकने को तैयार हैं। जहां एक तरफ बीजेपी विपक्षी पार्टियों पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच जेपी नड्डा अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए भी नजर आए। नड्डा ने सपा प्रमुख को कटघरे में खड़ा करते हुए पुरानी घटनाओं की याद दिलाई। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मैं जब केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री था, तब एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए उत्तर प्रदेश आया था। उस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। उस कार्यक्रम के बारे में ना तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कोई जानकारी थी और ना ही राज्य की सपा सरकार को। अब बताइए, इतना बड़ा प्रदेश और मुख्यमंत्री को ही मालूम नहीं है। जेपी नड्डा ने बिना नाम लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी जिक्र करते हुए कहा, एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री कहते थे, मैं यहां से एक रुपए भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे न जाने कहां चले जाते हैं। लेकिन आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सालाना लाखों किसानों के खाते में 6,000 रुपए सीधे भेजे जा रहे हैं। वहीं इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की। सीएम की तारीफ करते हुए नड्डा ने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है। अखिलेश यादव सरकार के दौरान जब हम पैसा देते थे तो नीचे कटोरे में छेद था, पैसा कहीं और निकल जाता था, उन पैसों से जमीन पर काम नहीं होता था। आज गांवों की तस्वीरें भी बदली हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित और दलितों को मुफ्त अनाज भी दिया जा रहा है। तो जेपी नड्डा 2024 के लिए चुनावी बिगुल फूंकने निकल चुके हैं। जहां एक तरफ वो बीजेपी की हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे अखिलेश यादव पर भी हमला बोलते हुए नजर आए। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।